मैं मंजू खेमका आज आप लोगों के सामने भिंडी बनाए भरमा भिंडी बनाने जा रही हूँ। एक बहुत ही अच्छी रेसिपी है, ज़्यादातर लोग समझते हैं बहुत टफ है, ऐसा नहीं है। तो मैं आज आपको बहुत इजी तरह से बताना चाहती हूँ जिससे आज सब लोग बना सकें। ये नान से, रोटी से, परांठी से, पूड़ी से, सभी से आप सर्व कर सकते हैं। ये बताओ कि अगर हम ये भिंडी चूज कर रहे हैं तो हमें इसमें क्या देखना है? ये इस तरह से आपको तोड़ के देख लेनी चाहिए। ये टूट के एकदम वाइट है, जल्दी से टूट जाती है, तो ये कच्ची भिंडी है। अच्छा, कच्ची भिंडी लेना चाहिए जिससे हमारी बड़े अच्छे से बीज भी नहीं होंगे, अच्छे से भिंडी होगी। अच्छा, फिर हम इसको अच्छे से धो के साफ करके पोंछ के फिर इसको इस तरह से काटते हैं। धो के हमने इसको सुखा लिया है ना? हाँ, सुखा लिया। तो हम इस तरह से काट लेते हैं। काटने के बाद इसको बीच में से थोड़ा हल्का सा इस तरह से करते हैं, पूरी नहीं काटनी चाहिए, इस तरह से थोड़ा काट काट के रख लेनी चाहिए। और इसमें हमें मसाला भरना है? इसमें हमें मसाला भरना है, वो ये मसाले मैं तैयार कर रही हूँ। इसमें मसाले भरने के लिए हमने पिसी हुई सौंफ ली है और धनिया पाउडर लिया है और लाल मिर्चा ली है, अमचूर लिया है, हल्दी लिया है, साल्ट लिया है और जीरा लिया है। अब इस आधा किलो भिंडी भरने के लिए हमें सबसे पहले 2 टीस्पून सौंफ लेनी है, उसके बाद 2 टीस्पून धनिया लेना है, धनिया पाउडर, धनिया पाउडर 2 टीस्पून मिर्चा पाउडर, मिर्चा, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून अमचूर और हल्दी 1 टीस्पून और 2 टीस्पून साल्ट। इसको हम अच्छे से जीरा नहीं डाले, इसको हम अच्छे से थोड़ा सा ऑयल डाल के जरा सा डाल लेते हैं जिससे ये स्मूथ हो जाए, थोड़ा सा क्या हो जाए, स्मूथ हो जाएगा सारा, मिक्स हो जाएगा। अच्छा, अच्छा। जीरा नहीं है, इसको अच्छे से मिला के इसमें हम भरना शुरू करते हैं। ऐसे भर भर के रख लेते हैं, भर भर के एक बाउल में रख लेते हैं। अब ये भिंडी हम भर चुके हैं, इसमें हम कढ़ाई में ऑयल डालते हैं। अगर सरसों का तेल है तो ज़्यादा अच्छा है, सरसों के तेल में ये अच्छे से बनती हैं। इसमें पानी नहीं डालना चाहिए, जीरा डालो और गैस को मीडियम पे रखना चाहिए पहले, जिससे हमारा तेल गर्म हो जाए। अब ये तेल गर्म हो चुका है, अब इसको हम कढ़ाई में डाल देते हैं। धीरे धीरे डालना होगा ना कि वो मसाला बाहर, धीरे धीरे डालो जिससे मसाला ना निकले। मसाला भरते समय थोड़ा सा दबा भी देना चाहिए जिससे हमारा मसाला बाहर ना निकले, प्रेस से अच्छे से चला दो इनको और स्लो गैस करके ढक देना चाहिए। ऑयल कम लगे तो थोड़ा सा ऑयल, बहुत सा ऑयल मम्मी, बहुत ऑयल था और मत डालो, बस करो। इसको इस तरह से स्लो गैस पे ढक दो, आधा घंटा लग जाएगी तो इसको स्लो गैस पे पकने देना चाहिए, बीच बीच में ऐसे करके दिखा के और चला देना चाहिए, नीचे ना लगे, नीचे ना लगे और ऊपर से नीचे आ जाए। अब हमारी ये भिंडी तैयार हो चुकी है, इनको बनने में आधा घंटा लग गया, बीच बीच में हमने चलाते रहना चाहिए जिससे चिपके नहीं। कवर उस पर बनाइए, कवर करके बनाइए, कवर करके बनाइए, ढक के इस तरह, बिल्कुल ये बिल्कुल देखो इस तरह से हो चुकी, देख लेनी चाहिए बिल्कुल हो गई। ये भिंडी हमारी तैयार हो चुकी है, अब आप इसको किसी भी रोटी से या परांठे से या नान से किसी से भी सर्व कर सकते हैं, बिल्कुल गरम 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 भिंडी तैयार हो चुकी है।